नमस्कार, मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर में रेलवे के इलेक्ट्रिक पोल के नीचे दबकर 3 बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत। रेलवे लाइन के किनारे रखे थे इलेक्ट्रिक पोल, घर से बकरी चराने निकले थे तीनों बच्चे। धूप अधिक होने के कारण बच्चे इलेक्ट्रिक पोल से सटकर बैठे थे। इलेक्ट्रिक पोल का संतुलन बिगड़ने के बाद एक के बाद एक कई इलेक्ट्रिक पोल बच्चों के ऊपर गिरे, जिसकी वजह से मौके पर ही बच्चों की मौत हो गई। लोगों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला गया। तीनों बच्चों की मौत से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेहंदी हसन, पूर्व प्रधान। अच्छा। ये बच्चे 2 बजे करीब बकरी लाए, अब बकरी चुगाने के ये मेरे ख्याल में धूप तुम यहाँ बैठ गए। ये खम्मा रखे ऐसे ही इतरे बितरे, हवा चली रही है, ये खम्मा गिर गए। कम से कम 20-25 खम्मा है इन बच्चों के ऊपर। क्या समझे, किसकी लापरवाही है इनकी, कर्मचारी की, रेलवे वाले इनकी? कितने बच्चों की जो कंपनी है? 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। 2 लड़की 1 लड़का। आपको सूचना किसने दी? कैसा सूचना दी? नहीं किसी ने, जब वो बच्चे ढूंढे गए गाँव में, बच्चे नहीं मिले और ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आए, कहीं ना कहीं यहाँ ये गिरे हैं। एक बच्चे की गर्दन, तब जाके बाकी गर्दन एक की दिख रही थी, तब यहाँ मालूम पड़ी। फिर गांव में आवाज लगी, जब गांव से पब्लिक भागी है, पब्लिक ने ये खम्भे हटाए, उनमें कुछ लोगों के चोट भी लग गई है हटाते में, अंगूठा कट गई, काई के खरोंच लग गई, काई के कैसे हुई ऐसा कर। अभी तक कोई भी रेलवे का अधिकारी भी आया? अभी तक नहीं। यहाँ रेलवे का कोई अधिकारी नहीं आया, यहाँ बस हमारे SDM साहब आए और पुलिस प्रशासन हमारा आया हुआ है, सिविल साहब भी आ गए। क्या नाम है आपका? शहजाद। ये आपके जो बच्चे खत्म हुए, क्या पूरा मामला? ये ऐसा है, बकरी चुगाने आए, बकरी चुगा के यहाँ छाई की वजह से बैठ गए, खम्भे गिरे इनके ऊपर। कितने बच्चे की डेथ हुई? 3 के। क्या समझे, खम्भे लापरवाही से रखे गए थे क्या? अब मैं इसमें क्या कह सकूँ। किस चीज के खम्भे थे? बिजली के, रेलवे के। बकरी चुराने आए, चगाने चुगाने आए थे। हाँ। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के पतरसा गांव में बनी कैपिटल बिहार में रहने वाले वीरेंद्र विक्रम सिंह के घर पर उनके दबंग पड़ोसी निशु अवस्थी व गोरा चौहान ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ हॉकी और लाठी डंडों के साथ वीरेंद्र विक्रम सिंह के घर पर किया हमला। पीड़ित के घर की महिलाओं को भी दबंगों ने पीटा। दबंगों की दबंगई का पूरा वीडियो कैमरे में हुआ कैद। पीलीभीत में तेज रफ्तार मिनी बस खाई में उतरी, 6 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच से शिमला जा रहे थे मजदूर, 16 पुरुष महिला और 6 बच्चों को ले जा रही थी मिनी बस। थाना गजरौला का मुड़ेगा पुलिया पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। युवक की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल से साइकिल और एक चाकू हुआ बरामद। पुलिस घटनास्थल पर मामले की बारीकी से जांच में जुटी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5। 4 लोगों की हालत गंभीर, 4 लोगों की हालत बिगड़ी, 2 को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर और 2 लोगों का प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरनगर पेपर मिल में लगी भीषण आग। पेपर मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नई मंडी थाना क्षेत्र के मीनू पेपर मिल का मामला। गोंडा में शरेआम पति ने पत्नी की पिटाई। महिला अस्पताल के सामने पति ने पत्नी को पीटा। इलाज कराने आई थी महिला। 5 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं पति पत्नी। महिला के साथ अभद्रता देखकर नाराज भीड़ ने पति को जमकर पीटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। गोंडा में बाथरूम की दीवार गिरने से 9 वर्ष के मासूम बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। रो रो के घर वालों का बुरा हाल। माँ के दामन से बच्चे का उठ गया साया। शौच करने के लिए बाथरूम में गया हुआ था बच्चा, तभी अचानक बाथरूम की दीवार ढह गई, जिसमें बच्चे की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। यह पूरा मामला थाना छपिया के मऊली खोरी गांव का है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।